दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट से ऊपर की नहीं होती, और कई लोगों ने तो इस बिजली का अनुभव भी किया होगा जो कि बहुत खतरनाक साबित भी हुई है। लेकिन इस वीडियो में आप ऐसे ही बिजली की वजह से मरने वाले पक्षी और जानवरों को देखोगे जिनकी मौत का कारण कोई आम बिजली से नहीं हुई बल्कि इनकी मौत खंभे में आ रहे 5,000 से 10,000 वोल्ट से हुई है। नंबर 1, ये बंदर बड़ी फुर्सत से तारों के ऊपर से जंप कर रहा था, लेकिन जैसे इस बंदर ने मेन बिजली की पॉजिटिव और नेगेटिव तारों को एक साथ पकड़ा वैसे ही इसे बड़ी जोरदार से झटका लगा जिसके बाद इसकी जान तो बच गई थी लेकिन अब वो शायद पहले जैसा उछल कूद नहीं कर पाएगा। नंबर 2, इस बर्ड का नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन जहाँ ये बैठा हुआ है उस वायर में से 5000 वोल्टेज की सप्लाई हो रही है और अचानक इतने हाई वोल्टेज ने इसकी बॉडी कैच कर ली और इस बर्ड को इतना ज़्यादा तेज झटका लगा जिससे वह इस दुनिया में नहीं रहा और वहीं उसकी मौत हो गई। नंबर 3, यहाँ ये जो भालू घूम रहा है वो जंगल से भागकर इंसानी बस्ती में आ चुका था और इंसानों को घायल कर रहा था जिसके डर में वहाँ के रह रहे लोगों ने बैरिकेड में करंट लगाने की सोची ताकि भालू उनके घर में ना घुस पाए, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। भालू को 240 का झटका लगने के बाद वो वहाँ से भाग भी गया। नंबर 4, यहाँ ये जो दो बर्ड्स बैठे हुए हैं उनमें से जो खंबे के टैंक पर बैठा हुआ है वो कुछ ही पल का मेहमान है क्योंकि अचानक उसने वहाँ की ऐसी तार को टच कर ली जिसे उसको टच नहीं करनी चाहिए थी जिससे उसे 1000 वोल्ट तक का झटका लग गया और वो वहीं मर गई। नंबर 5, इस लोमड़ी ने भी भालू की तरह करंट वाले बैरिकेड को टच कर लिया था जिससे उसे हाई वोल्टेज का करंट तो जरूर लगा होगा जो कि उसे वहां से भगाने के लिए काफी था। दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।